अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज मैं गई थी चेस वैल्यू और मैंने कहीं फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा जो है ना मैंने कहीं बाहर जाके वीडियो बनाई है। बहुत ज़्यादा रश था चेस वैल्यू में। हम अफ्तार से पहले गए थे तो इतना रश था, और अफ्तार के बाद तो फिर कुछ ज़्यादा ही रश होता। तो मैंने सोचा था कि मैं अफ्तार से पहले जाऊँगी तो रश कम होगा, लेकिन नहीं, वही रश बहुत ज़्यादा था। और बस जैसे जैसे ईद के दिन करीब होते जा रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। और ये फ़्रॉक जो है ना पिंक वाला, ये मैंने पसंद कर लिया था अपनी बेटी के लिए, लेकिन फिर बाद में इसका साइज़ मुझे नहीं मिला, तो इसलिए फिर ये मैंने जो है ना स्किप कर दिया है। और ये देखिए, बहुत सारे फ़्रॉक है, सब के जो है ना प्राइजेस चेंज है। जिस तरीके से वीडियो में दिखा रहे हैं, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देख के मैं गई थी चेस वीडियो में कि 5,000 में आप पूरी शॉपिंग कर लोगे। हाँ, आप 5,000 में पूरी शॉपिंग कर तो सकते हैं, लेकिन जो है ना अगर आपने अच्छी चीज़ लेनी है तो फिर आप 5,000 में सारी शॉपिंग नहीं कर सकते। इसमें जो है ना कम प्राइस की चीज़ें भी हैं। जाहिर सी बात है, अगर कम प्राइस की होगी तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, या तो फिर इस तरह का कोई मसला होता है तो अच्छी नहीं लगती है। और आप देख सकते हैं फ़्रॉक की कितनी ज़्यादा क्वालिटीज़ है यहाँ पे, कितनी ज़्यादा जो है ना डिज़ाइन है। तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी है इसमें। ये बच्चों के कलेक्शन है, तो ये जो है ना इसमें भी काफ़ी सारे आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा फ़्रॉक हैं। कमीज शलवार भी हैं, ट्राउज़र वग़ैरह भी थे, तो बहुत सारी जो है ना इसमें वैरायटीज़ थी। अमूमन जो है ना आप कहीं भी जाओ ना, तो फिर वैरायटीज़ बहुत कम होती हैं, एक दो चीज़ों में जो होती है ना, तो फिर पसंद नहीं आती। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा थी ना कि फिर आप बोले कि ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। प्राइजेस भी रिजनेबल थी, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी और बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं थी। बस इतनी थी कि जितने की चीज़ होगी तो उतनी की, जो चीज़ अच्छी होती है ना वो हर जगह पे ही महंगी होती है। ये नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई महंगी चीज़ सस्ती मिल जाएगी, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। बस जो चीज़ महंगी होती है ना वो हर जगह पे जो होती है ना महंगी ही होती है। तो बस हम चले थे शॉपिंग करने के लिए। मैंने जो है ना, फिर मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी कि मैंने लिया क्या है। और ये देखिए, ये जो है ना बच्चों का सेक्शन जो है ना ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो इसमें ना वैरायटीज़ हैं। और ये देखिए, कमीज शलवार भी हैं, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा महंगे लगे हैं, क्योंकि 2,000 का जो है ना कमीज शलवार थे, तो मुझे लगा अगर 1,500 तक का होता तो मैं ले रही थी बिल्कुल सिंपल। और जो कढ़ाई वगैरह वाले हैं ना तो बहुत ज़्यादा महंगे थे, 3,000 का था, तो फिर ये मैंने नहीं लिया, क्योंकि ये ज़ेनब मार्केट से मुझे लगता है थोड़े से सस्ते मिल ही जाते हैं। तो जो चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही थी कि रिजनेबल है तो मैं ले लेती हूँ, और जो चीज़ मुझे लगता है महंगी है तो फिर मैं नहीं लेती हूँ। और प्राइजेज मैं हर एक का आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। आप देख सकते हैं वीडियो बिल्कुल नहीं बनाई जा रही थी, बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत जो है ना वीडियो बना ली है। और ये शर्टें हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और अगर आप ये जो है लेना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हो। और ये देखिए, ये चश्मों की जो कलेक्शन है कितनी ज़्यादा है। और ये देखिए, काफ़ी सारी जो है ना चीज़ें हैं बच्चों की, बहुत सारी चीज़ें आगे आएंगी, तो बस बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इसमें। ये देखिए, ये पूरा जो है ना चश्मों से भरा हुआ है, और साथ में ये लॉकेट वगैरह भी हैं इसमें। तो बस ये जो है ना, ये सारी जो एक लाइन थी ना, ये इन्हीं चीज़ों की थी। इसमें आप 200 से लेके 400-500 तक के जो है ना चीज़ें मिल जाएंगी। और मैं यहाँ पे बैग देख रही थी बेटी के लिए, मुझे छोटा चाहिए था लेकिन ये बड़े थे, तो मैं कपड़ों के हिसाब से लेना चाह रही थी, मेरी बेटी छोटी है तो मुझे इसमें छोटा नहीं मिला। छोटे जो है ना फर्स्ट फ्लोर पे थे ऊपर, जब मैं गई थी फिर मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे भी थे। और ये बच्ची अपने लिए हेयर बैंड्स वगैरह ले रही हैं सारी। और बस ये जो है ना यहाँ पे बच्चों का जो है ना सारा सामान आ जाता है, हेयर बैंड वगैरह आ जाते हैं। और इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी, अलग अलग डिज़ाइन के थे, और इस तरह के जो है ना पोनियाँ, सिलाइयाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे जाने का मुझे बिल्कुल रास्ता नहीं मिल रहा था, मैं यहाँ से जो है ना गुजरना चाह रही थी, लेकिन अब रश कम होगा तो फिर मैं आगे बढ़ूँगी। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा वैरायटी हैं।
और अलग अलग किस्म के हेयर बैंड हैं, आपको इसमें हर किस्म का मिल जाएगा। यहाँ पे ये बात अच्छी है कि अगर आप कपड़े लेके आओ ना तो आपके साथ उसके मैचिंग की काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक ही मॉल से मिल जाएंगी। तो ये जो है ना मुझे इस बात के लिए बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे मैंने जो है ना सब कुछ ले लिया था। और ये देखिए इसमें जो है ना कम कीमत वाले भी हैं, यहाँ पे भी 200 से स्टार्ट होते हैं, 400 500 600 तक की जो है ना ये चूड़ियाँ मिल रही थी। कम कीमत वाले भी हैं और ज़्यादा कीमत वाले भी हैं। तो बस ये सारी चूड़ियों का कलेक्शन आ गया है, कंगन है, चूड़ियाँ हैं, क्या है, बस यही है। और जो है ना ये साइड सारी ये है और दूसरी साइड पे थी औरतों की, बच्चियों की है, दूसरी साइड पे लड़कियों की है, तो वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। और नीचे भी देखिए कितना सारा माल जमा है, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और बहुत ज़्यादा ये बड़ा भी है, और जितना ज़्यादा बड़ा है उतनी ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें, और उतनी ही ज़्यादा जो इसमें जो है ना रश भी था, बहुत ज़्यादा रश था। बस जैसे जैसे ईद करीब होती जा रही है ना वैसे वैसे जो है ना सारी चीज़ें नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की जो है ना लास्ट तक चांद रात तक शॉपिंग ख़त्म नहीं होती है। और बस जब तक शॉपिंग ख़त्म नहीं होती लास्ट तक कुछ ना कुछ बचा होता है, तो हर बंदा जो है ना अपनी चीज़ें पूरी करने के लिए जा रहा होता है। और ख़ास तौर पर ख़्वातीन के साथ तो होता ही है ना कि बस जाती वो एक चीज़ के लिए उठा के दूसरी चीज़ ले आती है, तो बस ये हो जाता है क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आई भी होती हैं, तो फिर उनका दिल करता है कि अब ये भी ले लें ये भी ले लें। और ये है कंगन, ये सारे जो है ना लड़कियों के औरतों वगैरह की जो है ना ये इस साइड पे ये बने हुए हैं, और इसमें भी बहुत ज़्यादा देखिए वैरायटी है, कितने सारे डिज़ाइन के ये लगे हुए हैं। तो बस अच्छा लगा मुझे, चेज़ वैली में फ़र्स्ट टाइम गई थी मैं, पहले चेज़ वगैरह बहुत गई हूँ लेकिन मैं चेज़ वैली में पहली दफ़ा गई हूँ। मैं इस तरफ से गुजरी थी लेकिन मैं कभी गई नहीं हूँ, तो बस ये बहुत सारी वीडियोस देख के मैंने भी विज़िट कर लिया था। और फिर हम आ गए थे फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे जो है ना अनस्टिच कपड़े भी थे और स्टिच भी थे, और इनकी प्राइस भी रिजनेबल थी क्योंकि ये जो है ना 4000 के सूट थे। तो आपको ये नहीं कि आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलेंगे, ये आपको और मॉल्स वगैरह में भी काफ़ी वीडियोज़ मैंने देखी, वहाँ पर भी इसकी प्राइस इतनी ही है। जो चीज़ यहाँ पे महंगी है वो हर जगह पे महंगी होती है क्योंकि अच्छी चीज़ जो होती है, ब्रांडेड चीज़ जो होती है वो महंगी होती है, तो आपको कहीं भी सस्ती नहीं मिलेगी, वो हर जगह पे आपको महंगी ही मिलेगी। और ये ब्लैक वाले जो कपड़े थे ये मुझे बहुत पसंद आए थे लेकिन मैंने बना दिए थे तो फिर मैंने नहीं लिया, इसका मुझे डिज़ाइन अच्छा लगा था। तो बस ये थी ये सारी जो है कलेक्शन जो है ना ये ब्रांड वगैरह की है, और बस इस वीडियो में आपको नज़र तो नहीं आएगा किस ब्रांड के, लेकिन थे बहुत अच्छे कपड़े, बहुत अच्छे हैं यहाँ के। और अभी तो अनस्टिच जो लेगा तो फिर उसको दर्जी वगैरह के लिए नखरे बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे स्टिच भी है, स्टिच की भी काफ़ी वैरायटीज़ हैं, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे कपड़े जो है ना मिल रहे हैं। तो बस ये थी यहाँ पे है सारे औरतों के कपड़े, और ये वाला जो डिज़ाइन है ना ये मुझे बहुत पसंद आया था, ये वाला जो सूट है अब यहाँ पे सही तरीके से दिखाई नहीं पा रहा है, ये दुपट्टा मुझे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये सूट तकरीबन 4000-4500 का सूट था, तो मुझे इसकी प्राइस बिल्कुल रिजनेबल लगी। ये सूट पहले मैंने बाय किया था तो ये इतने का ही है, 4000-4500 तक का। इसमें एक ये जो है ना डिज़ाइन है और एक इसके साथ का जो कलर है ना ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, लेकिन मैंने ईद के कपड़े सिलवा दिए तो इसलिए मैंने नहीं लिए। मैं तो बच्चों की शॉपिंग करने गई थी और बच्चों की शॉपिंग भी मैंने की थी, लेकिन मुझे अपनी बेटी के लिए फ़्रॉक लेना था, एक एक सूट मैंने उनके लिए थोड़ा सा फैंसी लेना था, तो इसलिए फिर जो है ना मैं गई थी। और अभी भी जो है ना मैंने यहाँ से कुछ सामान लिया और अभी कुछ सामान बाकी है, वो फिर हस्बैंड लेके आएंगे। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ आपको ये मॉल ही नज़र आएगा, यहाँ पर मैं कोई भी अफ्तार की रूटीन, घर की रूटीन नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। यहाँ पर ये देखिए सारे स्टिच कपड़े हैं और इनके डिज़ाइन भी बहुत अच्छे हैं, तो ये सारे जो है ना स्टिच कपड़े, और आप रश देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है, तो इसमें वीडियो बनाना अच्छा भी नहीं लगता है।
हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है। तो मैंने ये वीडियो बहुत एडिट किए, बहुत ज़्यादा एडिट किए। ये वीडियो मैंने तकरीबन 40-45 मिनट की बना दी थी, लेकिन फिर मैंने काफ़ी सारे उसको एडिट किए क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे थे बीच में, तो अच्छा नहीं लगता है। हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, तो अच्छा नहीं लगता है कि हम हर बंदे की वीडियो बना के जो है ना अपने ब्लॉग्स में डालें। तो इसलिए इस बात का मैंने बहुत ख्याल रखा है। और ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं, ये सारे इस डिज़ाइन से मैं गुजर रही हूँ। मैं हम गए थे तकरीबन 3-3:30 बजे करीब गए थे, और हम अफ्तार से सिर्फ 10 मिनट पहले घर पहुँचे हैं, और फिर भी जो है ना मैंने सारी चीज़ें नहीं देखी थी। इतना बड़ा चेज वैल्यू है और इतनी सारी उसमें चीज़ें हैं, और वीडियो तो मैंने तकरीबन आधी भी नहीं बनाई होगी, तो इतनी ज़्यादा इसमें जो है ना वैरायटीज़ हैं। तो बस ये सारे जो है ना स्टिच कपड़े हैं। अगर आप में आपको इसमें से कोई भी पसंद आ रहा हो ना, तो आप जाकर इसे बाय कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छी कलेक्शन है, बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे अच्छे कपड़े हैं यहाँ पे। प्राइस भी रिजनेबल है, क्योंकि अगर यहाँ पर महंगे हैं तो आपको कहीं पे भी सस्ते नहीं मिलेंगे। जो चीज़ महंगी है वो हर जगह पे महंगी होती है, जो चीज़ सस्ती है वो हर जगह पर ही सस्ती होती है। और यहाँ पे आप बैग की कलेक्शन देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ है। ये पूरा जो है ना भरा हुआ है बैग से, मुख्तलिफ़ किस्म के बैग्स हैं, हैंड बैग है, और यहाँ पे जो है ना पाउच वगैरह भी थे बहुत सारी। ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे सारे बैग्स थे, और बस ये देखिए सारे जो है ना यहाँ पे बैग्स वगैरह हैं। और बस ये मैं एक एक करके दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर आपको मैंने बताया कि मैं एक एक के प्राइस मैंने आपके साथ नहीं शेयर किए हैं, तो बस जो है ना आप जाके विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो है ना बस रिजनेबल ही थी, इतनी ही होती है हर जगह पर। बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं थी। बस आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं और कितनी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं। तो बस ये जो है ना फर्स्ट फ्लोर पे हम गए थे, इसके बाद जो है ना हम और ज़्यादा नहीं घूमे, क्योंकि फिर अफ्तारी के लिए लेट हो रहा था, और फिर हम जल्दी जल्दी से घर आए थे। बच्चे भी हम घर पे छोड़ के गए थे, क्योंकि इतने ज़्यादा रश में तो बच्चों को ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो मुझे एक दो बैग पसंद तो आए थे, लेकिन मेरे पास थे तो इसलिए फिर मैंने स्किप कर दिया, फिर मैंने नहीं लिए। जब मुझे चाहिए होंगे फिर मैं ले लूँगी। और फिर ये आ गए थे बच्चों के जूतों के सेक्शन में, और यहाँ पे भी जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ना वैरायटी थी। मेरी बेटी 3 साल की है, मुझे उसके लिए सैंडल लेने थे, तो हाँ मुझे यहाँ पर वो नहीं मिले। उसके लिए जो बन टाइप जो चप्पल होती है वो काफ़ी सारे थे, लेकिन वो मेरे पास थे, वो मैंने लिए थे, तो मुझे वो नहीं चाहिए थे, मुझे सैंडल में चाहिए थे। तो वो इतनी छोटी है कि उसके जो है ना नाप के मुझे मिल ही नहीं रहे थे। मैं इस तरीके का जो है सैंडल लेना इस तरीके का चाह रही थी कि इसमें छोटा मिल जाए, लेकिन उन्होंने कहा इसमें छोटा आता ही नहीं है, और 3-4 साल की बच्ची का तो बिल्कुल भी नहीं आता है। आप उसके लिए शूज़ वगैरह ले सकते हैं, लेकिन मुझे शूज़ वगैरह में बात नहीं नज़र आई, मुझे बस सैंडल ही चाहिए थे। तो जो मुझे नहीं मिले तो वो मैंने फिर छोड़ दिए थे, वो फिर मैं जो है ना कहीं और से ले लूँगी या हस्बैंड ले आएँगे। और यहाँ पर मुझे 3-पीस सूट नहीं मिले, या तो फिर मेरे नज़रों के सामने आए नहीं, जो मैं अपने बेटे के लिए ले रही थी तो वो भी रह गए, और एक जो है ना मेरी बेटी के चप्पल रह गए, सैंडल रह गए, तो वो फिर मैं कहीं और से लूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं मिले। और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 600-600 वाले जो है ना जो चप्पल थे, 400 वाले भी थे, 600 वाले भी थे, और ये जो चप्पल थे ना ये सारे महंगे थे। ये 2000 के, 1500, 1400, 1200, 2000, 3000 तक के, ये सारे जो है ना इस साइड के जो चप्पल थे सारे इसी तरीके के थे, इसी प्राइस में थे, और दूसरी तरफ जो चप्पल थे वो सारे सस्ते थे। तो इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ये वाले जो सारे हैं ना ये 600 के, 700 के, 800 के और 400 तक के चप्पल हैं ये सारे। इसमें जो है ना इस तरीके के शूज़ भी हैं, चप्पल भी हैं। तो ये सारे जो थे ना ये 600 के, 800 के, 900 के और 400 तक के प्राइस में थे। और बाकी ये जो शूज़ वगैरह हैं इसकी प्राइस तकरीबन 2000, 2500, 3000 इस तरीके की थी। तो बस ये सारी जो इसकी प्राइस है इस तरीके की थी। और इसमें मैंने आपको बताया सस्ती चीज़ें भी हैं, महंगी चीज़ें भी हैं। जो चीज़ें सस्ती हैं वो हर जगह सस्ती हैं,
थोड़ी बहुत क्वालिटी में फ़र्क तो होता ही है जो इतनी सस्ती मिल जाती है, लेकिन जो सस्ती चीज़ें थी ना वो भी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी कि आप ना ही ले सको, वो भी कहीं अच्छी थी, घर पे भी पहने जा सकते हैं, बाहें भी पहने जा सकते हैं, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। वैसे भी 600 की कहाँ आजकल चप्पल मिलती है इतनी महंगाई में, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ की जो 600 वाली चप्पल थी वो भी अच्छी लगी है, और 800 900 की जो थी वो भी अच्छी लगी। 400 वाले में मैं थोड़ा सा वो हो रही थी तो मैंने नहीं लिए, वो मुझे इतने ख़ास पसंद नहीं आए थे। और ये जो थी ना, ये सारे सैंडल वगैरह जो थे ये भी तकरीबन इसकी प्राइस 2000 से लेकर 3-4 हज़ार तक की थी। तो बस ये थी सारी हमारी शॉपिंग नहीं बल्कि सारा चेज़ वैल्यू मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट आपको काफ़ी सारा दिखा दिया है इस वीडियो में। तो बस अगर आपको जाना है या आपको विज़िट करना है तो आप ऐसे भी विज़िट कर सकते हैं, आपको पसंद आएगा। काफ़ी सारी वैरायटीज़ है, काफ़ी सारी कलेक्शन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आई हुई है। तो बस ये देखिए, ये इनकी सारी प्राइस भी यही 2000 से लेके 4-5 हज़ार तक की थी, और ये भी जो है ना इसकी प्राइस भी अच्छी थी, इतनी तो होती है। और बस जाते जाते जो है ना ये मुझे कुछ नज़र आया तो मैंने सोचा ये भी शेयर कर लूँ आपके साथ। ये भी मैंने आपको दिखा दिए थे, ये कुछ गिफ्ट वगैरह है बच्चों को देने के लिए, तो इस हिसाब से ये भी अच्छा है। ये सारे ज्वेलरी सेक्शन बहुत बड़ा था, इस साइड का भी सारा ज्वेलरी सेक्शन है और दूसरी साइड में भी सारा ये ज्वेलरी सेक्शन है। इसकी प्राइस भी 200 से लेके 800 हज़ार तक की है, तो इसमें कम जो प्राइस वाली भी चीज़ें हैं और ज़्यादा प्राइस वाली भी चीज़ें हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।